अभी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने समझा दिए, चलिए फिर भी इसको करते हैं। तो गाइस स्टेप्स तो आपको समझ आ गए, मैं आपको डायरेक्ट नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैसे करना है, ठीक है जल्दी से। तो 3.6765 किसके बीच में आएगा, 3 एंड 4 के बीच में। आइए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैग्निफाई करना है आपको 3 और 4 को। चलिए तो ये 3 4 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। अभी ये कितना हो जाएगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अभी नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट, 3.7। तो उसके लिए ये किस किसके बीच में आने वाला है, 3.7 तो कर लिया हमने और हमारा 3.76, तो 3.7 एंड 3.8, तो 3.7 ये और 3.8 को मैग्निफाई करना है, तो भी कर लेते हैं। चलिए ये लिए और ये ओके, तो ये है आपके पास 3.7 और ये है 3.8 एंड इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक आ जाएगा 3.71 3.72 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79 ठीक है गाइस। अब आपका 3.76 हो गया है, 3.76 के बाद 3.765 है, तो 3.765 के लिए किसके बीच में होगा, ये क्या आएगा, 3.76 और 3.77 ठीक है। तो 3.76 पॉइंट है आपका ये और 3.77 पॉइंट है ये। अब इसको मैग्निफाई करना है, इसको मैग्निफाई कर देते हैं, ठीक है चलिए ये हो गया। तो ये पॉइंट 3.76 और ये 3.77 एंड मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तो ये कितना आ जाएगा, 3.76 1 3.76 2 3.76 3 3.76 5 3.76 3.76 7 3.76 8 3.76 9 और आपको पॉइंट चाहिए 3.765। तो कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट हुआ जो आपको नंबर लाइन पर विजुलाइज कराना था, ठीक है।